नमस्कार, मेरा नाम मुक्तिनाथ दुबे है। मैं भोजपुर जिला के तरारी प्रखंड में बेटा पंचायत के उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा शैक्षणिक योग्यता एमए मनोविज्ञान से है और साथ साथ डीएलएड भी है। भोजपुर जिला बहुत सी दार्शनिक और सांस्कृतिक केंद्रों का धरोहर भी रहा है। भोजपुर जिला में जैन मुनियों का एक मंदिर भी है और हमारे यहाँ माँ अरण्य देवी का शक्ति पीठ भी है। कहा जाता है कि आदिकाल में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर जब वनवास काल में यही भोजपुर जिला में कुछ दिनों के लिए निवास किया था और उसी क्रम में बकासुर को भी मारा था। उसका भी यहाँ पे एक मूर्ति के रूप में अस्तित्व भी है और कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने राम और सीता माता के विवाह के समय पूरी बरात जो है इसी मार्ग से होते हुए नेपाल की तरफ गई थी। यहाँ पे कि खुरमा भी बहुत बिहार में प्रसिद्ध है और भोजपुरी भाषा यहाँ की महत्वपूर्ण भाषा जो है जो पूरे देशों में फैली हुई है। यहाँ सबसे अहम चीज़ है 1857 के क्रांतिकारी के वीर योद्धा वीर बाबूड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्मभूमि है। अब देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि शैक्षणिक शिक्षा, मैं लगभग 6 वर्ष शिक्षण कार्य कर रहा हूँ अपने विद्यालय में। मेरी नियुक्ति 2014 में हुई थी। जब मैं विद्यालय में जाता था पढ़ाने के लिए तो मैं अपने से बहुत ही अच्छी कोशिश के साथ उन लोगों को पढ़ाता था, सारी सिविलाइजेशन सारी सब्जेक्टों को ढंग से मैं पढ़ाता था। लेकिन पढ़ाते वक्त मैं अक्सर देखा करता था कि बच्चों में कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के प्रति या किसी सब्जेक्ट के पढ़ी रोज एक ही माध्यम से पढ़ाते पढ़ाते बच्चों में कहीं ना कहीं निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। बच्चे ऊब जाते थे, बच्चों को भी लगता था कि सर एक नई विधि के माध्यम से कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों का भी मन जो है अरुचिकर हो जाया करते थे। उस दरमियान में मैं कोशिश करता रहता था हमेशा कि बच्चे को नए नए तरीकों से पढ़ाऊं, हर माध्यम से बच्चे को पढ़ाऊं ताकि बच्चों में नैतिकता का विकास हो, शारीरिक और मानसिक विकास हो। उसी दरमियान हमें अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से बच्चों को नवाचार के माध्यम से शिक्षा देने की कुछ प्रशिक्षण प्राप्त। जब मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था उस समय मुझे लगा कि ये प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चों में नई नई तकनीकी विधियों के माध्यम से बच्चों में ज्ञान दे सकते हैं। इन सभी प्रशिक्षणों के माध्यम से बच्चों में रुचिकर का भी व्यवस्था हो जाती है, बच्चों में मानसिक विकास का भी बोध होने लगा है। तो मैंने उस प्रशिक्षण को बखूबी ढंग से ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद मैं बच्चों पे उसको पूर्ण रूपेण से लागू किया। बच्चों के क्लास में जब मैं गया तो बच्चों को चित्र के माध्यम से मैंने बच्चों को पहले चित्र दिया, चित्र के बारे में बच्चों से पूछा, बच्चों ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं के साथ उसका वर्णन करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा मेरे घर में यह पाया जाता है, अगर किसी पक्षी का चित्र मैंने दिखाया तो बच्चे बोलने लगे या मेरे घर में पाया जाता है, मैंने इसको गाँव में देखा है, ये इस कलर का होता है, इसकी भाषा ये है, ये ऐसे बोलता है, ये खाता है। तो मैंने देखा बच्चों में एक नई जिज्ञासा के रूप में संचार होने लगी, एक अलग रुचि पैदा होने लगे। फिर मैंने बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की बात सोची जो हमें शिक्षण अरविंद सोसाइटी के थ्रू प्राप्त हुई थी और फिर मैंने उन लोगों को उस खेल के भावना से बच्चों में संख्या की पहचान, सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या और भाज्य अभाज्य, इस प्रकार
गणित में अगर इस प्रकार देखा जाए तो रिटेंगुलर, आयताकार, वर्गाकार, घन, घनाभ, इस प्रकार सभी त्रिकोण, कोना, लंबाई, रेखा, इस प्रकार खेल के माध्यम से जब मैंने इन लोगों को बताना चाहा, बताने लगा, तो बच्चों में एक नई संचार जागने लगे। बच्चे अपने आप को उस जगह रखकर सोचने लगे। तो मैंने देखा यह बच्चों में अधिक से अधिक लाभकर और आनंददायी होते जा रहा है। इस प्रकार मैं बच्चों में अब एक नई तरह से शिक्षा देने में सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। जो पहले मेरे मन में लगता था कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है, आज वह पूर्ण रूप से पूरा होते जा रहा है। इसके लिए मैं अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ZIEEI को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए मुझे चुना और चुनकर मुझे प्रेरणा दिया कि आप बच्चों में कुछ नए तरह से ज्ञान दे सकते हैं। इसके लिए तहे दिल से अरविंद सोसाइटी का धन्यवाद। नमस्कार।